हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि टैली ईआरपी 9 में हम कोई इनकम जो होती है हमारी कंपनी की या फर्म की, उसको हम कैसे एंट्री पास करते हैं, उसके कैसे लेजर बनाते हैं और उसको कैसे हम देखते हैं। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हमारी इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है और डायरेक्ट इनकम क्या होती है, और हम इनके कैसे लेजर तैयार करते हैं और इनकी कैसे वाउचर एंट्री हम करते हैं और इसको क्या वहाँ पर हम शो कर सकते हैं टैली ईआरपी 9 में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। इसमें मैं टैली ईआरपी 9 को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ और डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से इसमें चैप्टर हैं। आप उनको देख के अपना प्रैक्टिस करिए और फिर नेक्स्ट डे का वीडियो देखते जाइए, और ऐसे आप पूरी टैली को सीख जाएंगे जीएसटी के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमारी इनकम क्या होती है। अब इनकम हमारी दो टाइप की होती है, एक तो हमारी होती है इनडायरेक्ट इनकम और एक हमारी होती है डायरेक्ट इनकम। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम की। तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से आए या इनकम को हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, मतलब जो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हमें प्राप्त होती है कोई इनकम या हमारी आय, उसको हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कमीशन रिसीव्ड हो गया हमारा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया और रेंट रिसीव्ड हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें इनडायरेक्ट वे में इनकम होती है हमारी फर्म को या कंपनी को। तो इनके हमें लेजर बनाने पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इनकम क्या होती है। डायरेक्ट इनकम वो होती है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वे में प्राप्त होती है, उसको हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे इसको समझ लेते हैं, प्रॉफिट एंड कंसल्टिंग रेवेन्यू, इस तरीके के एग्जांपल हैं इसके। तो आप इससे समझ सकते हैं डायरेक्ट मतलब आपको डायरेक्ट वे में मिल रही है इनकम कोई सोर्स से, और आपको इनडायरेक्ट में मिल रही है किसी सोर्स से, तो उसको हमें इनकम में हमें प्लस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसको हम देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि हम इसके लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, यहाँ पर लेजर में जाना है, क्रिएट करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है अपना इनडायरेक्ट इनकम। जैसे मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड, इसको हमें डालना हुआ इनडायरेक्ट इनकम है। ऐसे आपको इनडायरेक्ट इनकम चूज करना है, फिर इसको देन सेव कर दीजिएगा। ऐसे हम बना लेते हैं इसको रेंट रिसीव्ड, इसको भी इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे सेव। इस तरीके से हमने दो लेजर बना लिए, एक और बना लेते हैं हम। अब हम बना लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, अब फ्रेंड्स ये इसमें एक चीज़ आ रही है रिसीव्ड, तो हमें जो मिल रहा है अगर हम ये पे करते तो ये हमारा एक्सपेंस बन जाता। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आज जैसे आप जरूर नहीं है आपके, मैंने ये जो लेजर बताए आपको यही मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। तो आपको बस अपने दिमाग में ये रखना है कि अगर कोई हमें रिसीव्ड हो रही है कोई इनकम, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है और डायरेक्ट इनकम भी हमारी हो सकती है, हमारा वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एक्सपेंस माना जाएगा हमारा जो हमारा पे हो रहा है, ठीक है, जो हम दे रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब हम कुछ डायरेक्ट बना लेते हैं, जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू का, इसको हमें डालना होता है डायरेक्ट इनकम। इस तरीके से हमने लेजर हमने क्रिएट कर लिए। आप अपने प्रैक्टिस के तौर पर जो मैंने आपको ये स्क्रीन पर दिखाए हैं उन लेजर को आप बना सकते हैं। आप देखिए इसको हम देखते हैं, इसकी हम वाउचर एंट्री को करते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, आपको एक्सेस करना है क्योंकि हमें ये रिसीव करना है, ठीक है। अब हमें स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पर आपको चूज करना है बाई कैश या बाई चेक। तो जो भी आपको करना है वो आप दोनों मोड में आप पहले सीख चुके होंगे वीडियो को, नहीं आपको आ रहा है तो आप पहले उसको देख लीजिए तब यहाँ स्टेप पे आइएगा। तो यहाँ पे हम जैसे बैंक के थ्रू कर लेते हैं, स्पेस प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम जैसे कमीशन रिसीव हमने करा,
2500 का, देन इसको कर देंगे हम सेव। यहाँ पर हमें चेक नंबर जरूर डालना है क्योंकि ये हमारा बैंक के थ्रू हो रहा है, तो देन इसको कर देंगे हम सेव। ये हमारा रिसीव हो गया। अब दूसरा हम एक कैश में कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं इसमें आपका डिस्काउंट रिसीव। ये हमको 250 हो रहा है डिस्काउंट रिसीव, कैश में हो रहा है। आप डेट डाल सकते हैं कोई भी जिस डेट को आपको हो रहा है रिसीव। अब हम तीसरी एंट्री कर देते हैं, फिर से हम बैंक ले लेते हैं। और अब हम कर लेते हैं यहाँ पर हमने जो बनाया था, रेंट रिसीव। ठीक है, रेंट रिसीव हम कर लेते हैं 9000। देन यहाँ पर बैंक चेक नंबर आया, ठीक है। अब इस तरीके से हमने एंट्री कर ली। अब हम कुछ डायरेक्ट इनकम भी कर लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहीं पर आना है, कंट्री बजाय F6 से ही करना है। यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करके कैश या चेक से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कैश ले ले रहा हूँ। इसके बाद आपको स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ले लेनी है वो डायरेक्ट इनकम। जैसे मैंने कंसल्टिंग रेवेन्यू बनाया है, इसको लिया मैंने। इससे मेरे को जैसे 7000 रुपये रिसीव हो रहे हैं, तो 7000 रुपये डाला। देन यहाँ पर डेट डालूंगा जिस डेट को मैंने मेरे को ये रिसीव हो रहा है, और देन इसको कर दूंगा मैं सेव। इस तरीके से हम सारी एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कहाँ पर शो कर सकते हैं। बैक आइएगा, रिपोर्ट्स में आप आइएगा नीचे की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पे आने के बाद आपको ऑल टैब बंद प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पर आपके डायरेक्ट इनकम आ रही है, देखिए कंसल्टिंग रेवेन्यू आ रहा है, और नीचे आपकी इनडायरेक्ट इनकम आ रही है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव। ये हमारा राइट हैंड की साइड आएंगी इनकम, और डायरेक्टली भी हमारी राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारी इनकम है, इनकम की सारी सोर्स हमारी राइट हैंड साइड आती है। तो सेल हो गया, इनकम हो गई कैसी भी, और जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई कंप्लीट। तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एक तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेट प्रॉफिट 19420 रुपये आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे प्लस हो गया और जो हमारे एक्सपेंस है वो हमारा लेस हो गया, तो इनको हम देख सकते हैं। और दूसरी जगह हम देख सकते हैं इसको डिस्प्ले डे बुक में, यहाँ पर हमारी सारी एंट्री शो होंगी। ये देखिए यहाँ आपकी सारी एंट्री शो होंगी जो अब तक आपने करी होंगी। रिसीव देखिए, कंसल्टेंट रेवेन्यू आ रहा है, रेंट रिसीव आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव आ रहा है, कमीशन आ रहा है। इस तरीके से आपकी एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं। और एक आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कैसे, बैंक अकाउंट, बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आपने कितना डेबिट करा, कितना क्रेडिट करा। यहाँ पर देखिए अब आपका इसमें इतना बैलेंस बचा हुआ है 31500, और कैश इन हैंड में 54120 बचा हुआ है, क्योंकि कैश से भी हमने एंट्री करी थी, तो अब हमारी वो रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैली के जो कंप्लीट लेजर होते हैं वो आप कैसे देख सकते हैं, और अगर लेजर में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको कैसे चेंजेस कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।